मिडिल ईस्ट में इस वक्त युद्ध की आग में करीब दो देश जल रहे हैं, जिसका असर आसपास के कई देशों में भी पड़ रहा है। लेकिन इस जंग की शुरुआत करने वाला मास्टरमाइंड याह्या सिनवार अब इस दुनिया में नहीं है। इजरायली सेना ने हमास नेता और 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर सबसे बड़े हमले के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार को अपने रास्ते से हटा दिया है। लेकिन सिनवार की मौत के अंत की शुरुआत है। आखिर उसके परिवार में और कौन लोग हैं? उसके बच्चे और पत्नी किस हाल में है और कहाँ है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर कि जब से IDF ने सोशल मीडिया पर सिनवार का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। जियान सिनवार के मारे जाने के बाद इसराइल ने हमास नेता का एक पुराना वीडियो जारी किया। इस वीडियो को 7 अक्टूबर पर हमले के कुछ घंटे के पहले का बताया गया है, जिसमें सिनवार को अपने परिवार के साथ छिपते हुए दिखाया गया। सुरंग का ये वीडियो पहले भी वायरल हुआ है। वीडियो जारी होने के साथ ही याह्या सिनवार की कभी ना नजर आने वाली पत्नी समर अबू मोहम्मद जमर अब चर्चा में है। याह्या सिनवार से 18 साल छोटी समर अबू जमर ने अपनी निजी जिंदगी को दुनिया से छिपाए रखा। क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद व्यक्तियों में से एक से शादी करने के बावजूद वो एक रहस्यमयी महिला बनी हुई है। उसकी कोई भी तस्वीर मौजूद नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाया था उसकी वेबसाइट पर भी नहीं है। हालांकि IDF के वीडियो रिलीज के बाद उनका चेहरा दुनिया के सामने आ गया। गाजा में पैदा हुई 44 साल की समर एक संपन्न फिलिस्तीनी परिवार से आती है। उसने गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से धार्मिक अध्ययन में मास्टर डिग्री हासिल की। उसने 2011 में अपनी शादी तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था। साल 2011 में कैदियों की अदला बदली में इजरायली जेल से रिहा होने के बाद याह्या सिनवार ने उससे शादी की थी। शादी के समय जमर की उम्र 31 साल थी, जो फिलिस्तीन समाज के हिसाब से ज्यादा थी। गजा में महिलाओं की शादी औसतन 20 साल में हो जाती है। समर को एक कट्टर धार्मिक नियमों का पालन करने वाली महिला के रूप में बताया जाता है। वो हमेशा नकाब पहनती है, जिसमें केवल उसकी आंखें खुली रहती है। उनका परिवार एक विख्यात फिलिस्तीनी कबीले का हिस्सा है, जो हमास का कट्टर समर्थक है। इस कबीले के सभी सदस्य हमास में शामिल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से कुछ नुखबा यूनिट में शामिल रहे हैं, जिसने इजरायली ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायली सेना ने हमास नेता का जो वीडियो जारी किया है, उसमें समर अबू जमर को $32,000 यानी कि करीब 26 लाख रुपए से भी ज्यादा के हर्मेस वेकिन हैंडबैग के साथ टनल में जाते देखा गया है। समर के इस महंगे ब्रांडेड बैग ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है। कई लोगों ने हमास नेताओं की महंगी लाइफस्टाइल की आलोचना की, खासतौर पर जब उनके चलाए सशस्त्र आंदोलन के चलते आम गाजा वासी मुश्किल भरी जिंदगी जी रहे हैं। बीते 16 अक्टूबर को इजरायली सेना के ऑपरेशन में याह्या सिनवार की मौत के बाद समर का कुछ अता पता नहीं है। जानकार मानते हैं कि वो अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के डर से संभवतः इजरायली सेना और हमास के आंतरिक प्रतिद्वंदियों से छिपकर जिंदगी जारी रखेंगी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो कतर भी भाग सकती हैं। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि याह्या सिनवार की पत्नी और उसके बच्चे आखिरकार कहाँ हैं। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।